मैं सत्य हूँ, सत्य ही मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ संपदा है। जो इस तथ्य को समझकर इस अनुभूति को अपने हृदय में हमेशा संजो कर रखते हैं, उन्हीं का अस्तित्व सार्थक है। ये तो वही आभूषण है अरे अरे ओ मुखिया भाग रहे माजी, माजी श्री विनायक ने हमारी सुन ली। अब हमारा मंदिर बनने से कोई नहीं रोक सकता माजी। हे विनायक, आपकी महिमा अपरंपार है। आप धन्य हो देव, आप धन्य हो। राजेश्वरी, माताजी। श्रीनाथ, राजेश्वरी, क्या हुआ? अरे चमत्कार हो गया, चमत्कार माता जी। चढ़ावे का सामान तो मिल ही गया, पर चोर भी पकड़ा गया। और ये सब हुआ है कलाधर के कारण। ऐसा क्या किया मेरे कलाधर ने? अरे जो कुछ भी किया कलाधर ने ही तो किया है। वरना पूरा गांव अब तक बाकी घरों की तलाशी ले रहा होता। ऐसा क्या हुआ है, आप लोग कुछ बताएंगे भी है इसी तरह? पता नहीं कैसे कलाधर समझ गया कि चोरी का माल मुखिया के गौशाला में छुपाया गया है। बस इसने संकेत कर दिया और जब मुखिया के गौशाला की खोज की गई तो चोरी का माल वहीं से निकला। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो इसमें चमत्कार कैसा? अरे ऐसा कैसे हो जाता है? बड़ी माँ ठीक कह रही हैं, मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। चाहे जो हो, संकेत तो कलाधर ने ही किया और किसी ने गौशाला के बारे में सोचा भी नहीं। वैसे भी कलाधर के इस घर में आने के बाद कई चमत्कार हुए हैं। सच कहूं, मुझे तो पूरा विश्वास था कि किसी तरह की कोई अनहोनी हो ही नहीं सकती। माजी, अनहोनी कैसे नहीं हो सकती है? सबसे पहले अनहोनी ही होती है। फिर पहले अनाज का लूट जाना, फिर पिताजी का बीमार होना और उसके बाद चढ़ावे का लूट जाना, ये सब क्या है? अरे पर सब कुछ ठीक हो गया है, क्या ये कम है? अच्छा, तो क्या सिर्फ चमत्कार के लिए ही अनहोनी होती है? क्या कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश की कि जब से कलाधर इस घर में आया? बहू चुप करो, तुम्हें भलाई में भी बुरा दिखाई देने लगता है। बहू, इतनी बड़ी खुशी घर में आई और तुम कुछ और सोचने लगी। कलाधर ने किया या नहीं किया, लेकिन सामान तो मिला, क्या इस सूचना से तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए? ठीक है, मैं ही चुप रहूंगी। बड़ी माँ, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो आप मुझे क्षमा करें।
कोई भूल नहीं हुई है बेटा, और अब आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई भी नहीं। सब लोग अभी थक गए होंगे, विश्राम कर लीजिए, बाकी जो कल होगा देखा जाएगा। जो बेटा, आप धन्य हैं श्रीनाथ जी, कल की घटना के बाद हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि भगवान विनायक की आप पर अद्भुत कृपा रही है। मैं तो स्वप्न में भी सोच नहीं सकता कि हमारे गांव का मुखिया इतना नीच कार्य कर सकता है। बोले श्रीनाथ जी की, श्रीनाथ जी की, श्रीनाथ जी की, श्रीनाथ जी की। इस घटना के बाद हमें एक बड़ा निर्णय लेना है। इस नीच कार्य करने के बाद हमारे गांव के प्रमुख त्रिभुवन को मुखिया के पद से हटाना आवश्यक हो गया है। आप सत्य कह रहे हैं, अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे गांव का अगला मुखिया कौन हो। इसमें सोचने वाली क्या बात है, मुखिया बनाने के लिए श्रीनाथ जी जैसा अच्छा और योग्य व्यक्ति दूसरा कोई है हमारे पास? ऐसी कर्तव्यशीलता, ऐसी भक्ति और सेवा भावना, इतने सारे गुण मुझे और किसी में नहीं दिखाई देते। और सबसे बड़ी बात, जिस पर विनायक जी की कृपा हो वो ही हमारा मुखिया बनेगा। श्रीनाथ जी हमारे मुखिया बनेंगे। आप सभी लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग। तो आज सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है, आज से श्रीनाथ जी ही हमारे गांव के मुखिया होंगे। मुखिया श्रीनाथ जी की, 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 मुखिया श्रीनाथ जी की। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रभु ये मैं क्या सुन रहा हूं? हम जो सुन रहे हैं वो अति शुभ है देवर्षि नारद। नारायण नारायण। प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो सदा ही कर्म को प्रधान मानते रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं देवर्षि? नारायण नारायण। प्रभु आप तो देख ही रहे हैं कि श्रीनाथ को बिना कुछ कर्म किए ही मुखिया पद प्राप्त हो गया है। ऐसा नहीं है देवर्षि, कर्म का क्षेत्र अति विशाल है और पुनः मनुष्य के वही कर्म फल देते हैं जिसका उद्देश्य शुभ हो। परंतु श्रीनाथ ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण स्वयं श्री विनायक ने उन्हें इतना महत्वपूर्ण पद प्रदान कर दिया? क्या सेवा भक्ति का कोई पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए देवर्षि? क्या मनुष्य के सदाचार का कोई अर्थ नहीं? ये सब तो मनुष्य की भावनाएं हैं। भावना और कर्म में क्या कोई अंतर नहीं है? यही भक्ति भावनाएं ही मनुष्य को शुभ कर्मों के लिए प्रेरित करती हैं। और विनायक इस सत्य को भली भांति जानते हैं। श्रीनाथ का मन अति पवित्र है और पुनः कलाधर के रूप में विनायक श्रीनाथ की परीक्षा ले रहे हैं देवर्षि। नारायण नारायण। अर्थात ये सब विनायक की लीला है प्रभु। नारायण नारायण।
बहुरानी, बहुत खुश है, क्या बात है? आज ये पंचायत कैसे बुलाई गई थी? बहुत बड़ी खबर है बहुरानी, ऐसे कैसे सुना दूं? ठीक है ये ले और जल्दी से बता क्या हुआ पंचायत में। अब तो आप तीर्थ यात्रा जाने की तैयारी कर लीजिए बहुरानी, समझ लीजिए अब आपका जीवन बस भगवान भगत में ही बीतने वाला है। अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब है, क्या बोल रही है, पागल तो नहीं हो गई? बहुरानी आप सुनेगी तो आप भी पागल हो जाएंगी। साफ साफ बता बात क्या है, पंचायत में हुआ क्या? कहा तो आप पहले से ही चिंतित थी कि आपके देवर देवरानी घर पे राज कर रहे हैं, लेकिन अब तो उससे भी बुरा वक्त आने वाला है बहुरानी, क्योंकि आपके देवर को गांव वालों ने मुखिया बना दिया है। देवर को मुखिया? बहुरानी, बहुरानी, हे भगवान, इनके तो अभी से ये हाल है, न जाने आगे क्या होगा। माताजी, भगवान श्री विनायक जी की कृपा से गांव की सेवा करने का दायित्व मिला है मुझे। सच्ची भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती बेटा। हाँ। भगवान विनायक सबके सुनते हैं, अपने भक्तों पर वो हमेशा कृपा करते हैं। हाँ माँ, देखिए ना इतने सारे चमत्कार एक साथ हो गए, चढ़ावे का सामान मिल गया, मुखिया की चोरी पकड़ी गई और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे श्रीनाथ को इतना बड़ा मान सम्मान मिला है। पुत्री, हम काशी जा रहे हैं, कहो भोलेनाथ से तुम्हारे लिए क्या मांग? क्या सोच रही है माता? कुछ नहीं बेटा, यूं ही बस वैद और वैद रानी जी की याद आ गई। वो दोनों अवश्य ही कोई दिव्य आत्मा थे जो जाते जाते हमारे आंचल में ढेर सारी खुशियां डाल गए। इंदुमती, बड़ी बहू दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? मैं यहां हूं पिताजी। क्या हो गया भाभी जी को? क्यों मृदुला? बहू जी को चक्कर आ गया था, पर इतनी खुशी की खबर सुनकर रह नहीं पाई, चली आई। भाभी जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, गांव वालों ने मुझे अपना मुखिया चुना है। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है देवर जी। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। कहिए देवर्षि, सब कुशल तो है? आप बहुत विचलित लग रहे हैं, कोई प्रश्न शेष रह गया है क्या? नारायण नारायण प्रभु, एक शंका का समाधान नहीं हो पा रहा। हम आपके मंतव्य को समझ नहीं पाए देवर्षि, आप जैसे तत्व ज्ञानियों को किस बात की शंका हो सकती है? वैसे
आपकी शंका किसके बारे में है? प्रभु, श्री विनायक के बारे में। देवर्षि, विनायक के बारे में अब कोई आशंका शेष हो तो उसका निराकरण महादेव शिव कर सकते थे। आपको मेरे पास आने की क्या आवश्यकता पड़ी? नारायण नारायण। हो सकता है महादेव शिव और माता पार्वती को अपने पुत्र की विशेषताएं बताने में संकोच हो, इसीलिए मैं इस शंका का समाधान पाने आपके पास चला आया। बताइए देवर्षि, आपकी क्या शंका है? प्रभु, बड़ी छोटी सी बात है। पृथ्वी लोक में सभी कार्य श्री नाथ से ही संपन्न करवाए जाने थे, तो श्री विनायक को पृथ्वी लोक में जाने की क्या आवश्यकता थी? देवर्षि, पृथ्वी लोक में मनुष्य अपने ही चारों ओर बनाए गए ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मद और लाभ के दुष्चक्र में फंसा हुआ है, और विनायक का काम है कि मनुष्य को इस दुष्चक्र से मुक्त कराए। प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। देवर्षि, कलाधर के रूप में श्री गणेश स्वयं नायक न बनकर पृथ्वी वासियों को नायक बनाकर ये आभास कराना चाहते हैं कि वे स्वयं अपने कर्मों का लेखा जोखा करें और उसके अनुसार अपना निर्णय लें। प्रभु, श्री विनायक को श्रीनाथ और रागेश्वरी के यहाँ जाने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या उनके लिए पृथ्वी लोक में कोई और स्थान नहीं हो सकता था? आप तो जानते ही हैं देवर्षि, भगवान भक्तों के सेवक होते हैं। श्रीनाथ और रागेश्वरी जैसे सच्चे भक्त इस पृथ्वी पर बहुत कम हैं। विनायक के लिए इससे उचित स्थान और क्या हो सकता है? नारायण नारायण। प्रभु, आपने रहस्य की बातें बताकर मेरी सभी शंकाओं का समाधान कर दिया, और इसी क्रम में मानव स्वभाव को बदलने की एक नवीन प्रक्रिया का ज्ञान भी हो गया। अवश्य, किंतु साथ ही साथ ये एक स्थायी समाधान भी है। इसी समाधान में मानव मात्र का कल्याण है। समझ गया प्रभु, समझ गया। श्री कलाधर के रूप में श्री विनायक की लीला से मैं अभिभूत हो गया हूँ। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु।